जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिग वेल्डिंग, या जिसे हम लोग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, या इसे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इसमें हम लोग बेसिक ऑफ मिग वेल्डिंग के बारे में समझेंगे, इसका क्या क्या इक्विपमेंट है। जैसे इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट इसके अंदर जो होते हैं उसके बारे में समझेंगे। जैसे इसका पावर सोर्स के बारे में समझेंगे, इसका जो शील्डिंग गैस है उसके बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रोड वायर ड्राइव सिस्टम जो होता है उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा इसमें मेटल ट्रांसफ़र का क्या क्या टाइप है उसको समझेंगे, ठीक है। मिग वेल्डिंग का प्रोसीजर क्या है समझेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने टिग वेल्डिंग पहले पढ़ रखा है, ठीक है, और आज हम लोग मिग वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इस दोनों का कंपेयर भी समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको कंपेयर भी करेंगे हम लोग आज इसको, ठीक है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ और भी नाम है जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग भी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि जैसे इसमें यह एक, जैसे बता दूं कि सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जिसमें वेल्डिंग गन से लगातार कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड और शील्डिंग गैस को फीड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि एक तरह का क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिग वेल्डिंग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, यानी यहाँ पर जो जैसे पहले बता दूँ कि टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो होता था वो कंज्यूम नहीं होता था, ठीक है, और जहाँ पर अगर फिलर मेटल का रिक्वायरमेंट होता था तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि अलग से फिलर मेटल का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो फिलर मेटल की तरह भी काम करता है, और जो जहाँ पर आर्क प्रोड्यूस करने के लिए भी ये काम किया जाता है, मतलब जो मतलब जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रोड और जो फिलर मेटल है दोनों के तरह ये काम करेगा, ठीक है। इस वेल्डिंग प्रोसेस में जनरली कांस्टेंट वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर सोर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, बट कुछ केस में, बहुत सारे बुक में तो नहीं, मतलब कुछ बुक में हमने ऐसा पढ़ा है कि उसमें क्या बोल सकते हैं कि जो डीसी करंट सोर्स है उसको रिप्लेस करके उसको एसी करंट से भी मतलब रिप्लेस किया जाता है कुछ जगहों पर, कुछ पार्टिकुलर वेल्डिंग के केस में उसको एसी से भी रिप्लेस किया जाता है। बट मोस्ट ऑफ केस में जो होता है इसमें डीसी करंट सोर्स का ही यूज किया जाता है, ठीक है। और डीसी करंट सोर्स में भी हम लोगों ने जैसे पोलैरिटी का बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप यहाँ पर जो रिवर्स पोलैरिटी का ही यूज किया जाएगा, जनरली रिवर्स पोलैरिटी का यूज किया जाता है, यानी जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है वो आपका जो होता है रिवर्स पोलैरिटी में वो आपका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा, और जो वर्कपीस होगा नेगेटिव टर्मिनल पे होगा। जो आपका इलेक्ट्रोड होगा इस केस में वो पॉजिटिव पे होगा, और वर्कपीस जो होगा वो आपका नेगेटिव टर्मिनल पे होगा, ठीक है। तो रिवर्स पोलैरिटी का इसमें जनरली यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वेल्डिंग होता है वो थोड़ा जो मतलब ऐसे वेल्डिंग नहीं, जैसे बोल सकते हैं कि जो आर्क होता है वो स्टेबल आर्क होता है, ठीक है। इसके अलावा स्मूथ इलेक्ट्रोड मेटल ट्रांसफ़र भी होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जनरली इस तरह के वेल्डिंग में रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। रिवर्स पोलैरिटी या डायरेक्ट करेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करेंट, सॉरी डायरेक्ट करेंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, या इसको रिवर्स पोलैरिटी से भी जानते हैं। तो रिवर्स पोलैरिटी करने से क्या होता है कि मेटल डिपोजिशन रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। जैसे हम लोग टिग वेल्डिंग में दोनों तरह का यूज किया जाता है, जैसे हमने बताया था, आपने पढ़ा होगा या वीडियो देखिएगा उसमें पता चलेगा, डिटेल में बताया था। तो उसमें जो टिग वेल्डिंग होता है उसमें दोनों तरह का पोलैरिटी यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मतलब डीसी करेंट सोर्स का जब यूज करते हैं तो उसमें डीसीईपी का भी यूज करते हैं और डीसीईएन का भी यूज करते हैं, ठीक है, डीसीईपी का भी यूज करते हैं, ठीक है, और डीसीईएन का भी यूज करते हैं, ईएन इलेक्ट्रोड नेगेटिव, एक
केस था जब हम लोग टिग वेल्डिंग पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर, इस दोनों तरह का यूज करते हैं, या फिर जब हम लोग एसी सोर्स का यूज करते हैं तो वहाँ पर एसी का भी यूज करते हैं टिग वेल्डिंग के अंदर। बट जब हम लोग मिग वेल्डिंग पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर जनरली तो हम लोग डीसी सोर्स का यूज करते हैं और उसके साथ साथ रिवर्स पोलरिटी का ही यूज करते हैं, और उसमें इलेक्ट्रोड जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है, ठीक है, और जो वर्कपीस होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पे होता है, ठीक है। अब 1940 में जब मिग वेल्डिंग को डेवलप किया गया था उस टाइम में इसका यूज जो है वो नॉन मेटल सॉरी नॉन फेरस मेटल को वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता था, बट बाद में मतलब जल्दी इसका यूज जो है जैसे स्टील जैसे मटेरियल को वेल्ड करने के लिए किया जाने लगा, ठीक है। चूँकि ये वेल्डिंग कुछ ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब टिग वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में ज़्यादा फास्ट होता है, तो इसका यूज़ हम लोग मतलब काफ़ी रिपीटली कॉमनली इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इस वेल्डिंग प्रोसेस से हम लोग जितने भी तरह के इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल मटेरियल है जैसे कार्बन स्टील हो गया, ठीक है, उसके अलावा स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इस सभी तरह के मटेरियल को हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। और इसके लिए मतलब सुइटेबल अमाउंट में शील्डिंग गैस का रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरह के मटेरियल को वेल्ड कर रहे हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग इलेक्ट्रोड का ज़रूरत होगा, जैसे कार्बन स्टील का कार्बन स्टील को वेल्ड कर रहे हैं या सपोज एल्युमिनियम को वेल्ड कर रहे हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एप्रोप्रिएट जो शील्डिंग गैस है उसका ज़रूरत पड़ेगा, और जैसे एल्युमिनियम को वेल्ड कर रहे हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोड जो उसके लिए एल्युमिनियम को वेल्ड करने के लिए सुइटेबल इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड वायर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब सुइटेबल इलेक्ट्रोड और शील्डिंग गैस के हेल्प से हम लोग जितने भी तरह के कॉमर्शियल जो मेटल है उस सभी को हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, इस वेल्डिंग के थ्रू वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स के बारे में, ठीक है। इसके इक्विपमेंट में सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन सा पावर सोर्स यूज किया जाता है, पावर सोर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे बता भी दिया, अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं। इस वेल्डिंग प्रोसेस में हमेशा जो है कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप पावर सोर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें हमेशा कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप पावर सोर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, वोल्टेज टाइप पावर सोर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड वायर के फीड के अनुसार जो वेल्डिंग मशीन से करंट को चेंज किया जाता है, कि करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड वायर को मुझे फीड करना होता है, जैसे मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड वायर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसको यहाँ से जो वायर जो रील है, ठीक है, ये भी इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है, इसको हम लोग को किस रेट से फीड करना है, किस रेट से यहाँ पर डिपॉजिट करना है, उसके अनुसार भी हम लोग करेंट को चेंज करते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने इसमें बताया था कि इसमें जनरली हम लोग रिवर्स पोलरिटी का यूज करते हैं, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर हम लोग जनरली रिवर्स पोलरिटी का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि मेटल डिपोजिशन रेट इंक्रीज हो जाता है और साथ ही स्टेबल आर्क और स्मूथ मेटल ट्रांसफर होता है, जबकि जो DCEN का यूज करने से आर्क हाईली अनस्टेबल हो जाता है और स्पेटर फॉर्मेशन भी होना शुरू होता है। स्पेटर फॉर्मेशन मतलब उस पर बहुत स्पेटर जो मेटल का स्पेटर होता है, मेटल जो होता है बिखर जाता है वेल्डिंग करते समय, ठीक है। तो इसके अलावा और भी इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है, जैसा कि हमने बताया था कि कुछ स्पेशल केस में हम लोग जो होता है मिग वेल्डिंग में कुछ स्पेशल केस में हम लोग DCEN का भी यूज करते हैं, लेकिन इसको यूज करने से पहले इलेक्ट्रोड को कैल्शियम और टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है, या मतलब उसको मिक्सचर को उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है, उससे कोट किया जाता है, ठीक है, जो कि स्टील जैसे मटेरियल को वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग
जो शील्डिंग गैस है उसके बारे में समझते हैं। शील्डिंग गैस इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो जनरली इसमें आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जो इन सभी का प्रॉपर अमाउंट में जो मिक्सचर होता है उसको यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो बेस मेटल है वो कैसा है, उसको मतलब कितना पेनिट्रेट करना है, किस तरह से वेल्ड करना है, वो इस सभी पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ चीज़ कुछ गैस का हम लोग गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। जैसे हीलियम का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, आर्गन का यूज़ क्यों करते हैं, उसका यूज़ करने से क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम लोग आर्गन का अगर बात करें तो आर्गन क्या करता है, आर्गन जो स्पेटर फॉर्मेशन होता है उसको रिड्यूस करता है, और आर्क को एक मतलब कि जो बेस मेटल है उस पर प्रॉपरली कंसंट्रेट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो मतलब क्या होगा कि डीप पेनिट्रेशन होगा, वेल्डिंग का डीप पेनिट्रेशन होगा, और मोस्टली इसी गैस का हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह के वेल्डिंग में। इसके अलावा जो आर्गन होता है वो मतलब अदर गैस के रिस्पेक्ट में जल्दी आयोनाइज हो जाता है, जिसके कारण मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल वोल्टेज आर्क प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा अदर जो गैस यूज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि इस मतलब आर्गन गैस में जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, जिससे क्या होगा कि वेल्डिंग के समय जो बेस मेटल के ऊपर क्या होता है कि मतलब हीट जोन डेवलप हुआ था। जैसे अब हम लोग यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं तो इसके आसपास में भी हीट जोन डेवलप हुआ था है। तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होने के कारण क्या होगा, अगर हम लोग इस गैस का यूज करते हैं तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है, जिससे क्या होगा कि इसके आसपास के एरिया में जो मतलब या जो हीट जोन बोल सकते हैं उससे कम डेवलप होता है, जिससे मेटल के अंदर जो डिस्टोर्शन है वो कम होता है। अब मेटल डिस्टोर्शन कम होता है तो जैसे जैसे मान लीजिए कि थिन मेटल है, काफ़ी पतला अगर मटेरियल है, अगर क्या बोले कि अगर हीट डिपोजिशन अगर ज़्यादा हो जाए, अगर वेल्ड यहाँ पे कर रहे हैं और हीट डिपोजिशन यहाँ तक हो जाए, तो अगर थिन मेटल है तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो सकता है, उसमें डिस्टोर्शन आ सकता है। तो अगर हम लोग आर्गन गैस का अगर यूज़ करें तो इसमें क्या होगा, डिस्टोर्शन कम होता है, जिसके कारण हम लोग थिन जो मेटल है उस जगह पर वेल्ड करते समय इस तरह के गैस का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हीलियम गैस के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लें। जो हीलियम गैस है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, हीलियम गैस का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसके कारण तो क्या होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो थिकर मेटल है, ठीक है, तो उस टाइम में इस तरह के गैस का हम लोग यूज़ करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हीट डिपोजिशन क्या होगा कि अदर गैस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मतलब जैसे मुझे कर्मल जैसे मुझे बात करना है कि कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, तो उस समय इस तरह के गैस का हम लोग यूज़ करते हैं। उस तरह का मतलब जैसे कॉपर या एल्युमिनियम को वेल्ड करना है तो उस तरह के मटेरियल को वेल्ड करते समय हम लोग हीलियम गैस का यूज़ करते हैं, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, बाकी गैस के रिस्पेक्ट में तो इसका यूज़ हम लोग जनरली कम ही करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण जो हम लोग फिलर मेटल का यूज़ करेंगे तो उसका मेटल डिपोजिशन रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस टाइम में जो हम लोग मेटल मतलब इसमें अगर हम लोग फिलर मेटल का यूज़ करते हैं तो इस टाइम में थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ये मटेरियल भी तेज़ी से मेल्ट होगा। ठीक है, तो मेटल डिपोजिशन रेट बढ़ जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पर मेटल डिपोजिशन रेट हाई रखना है वहाँ पर उस टाइम में हम लोग हीलियम गैस का यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू अदर गैस। इसी तरह से हम लोग और भी गैसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं, उसका अपना प्रॉपर्टी होता है, या जैसे आर्गन हीलियम का मिक्सचर यूज़ करते हैं, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड का
का मिक्सचर का भी यूज़ करते हैं, आर्गन ऑक्सीजन गैस का भी मिक्सचर का भी यूज़ करते हैं। वो अलग अलग मतलब स्पेसिफिक वेल्डिंग के केस में हम लोग अलग अलग तरह का हम लोग शील्डिंग गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या है। इस वेल्डिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है वो जनरली एक वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है, और एक कॉइल की तरह होता है, जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, एक वायर के फॉर्म में, जैसे ये देख पा रहे हैं, एक वायर के फॉर्म में और एक वायर रील, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक रील की तरह इस पर पुल किया हुआ होता है, ठीक है, और इसी एक कंटिन्यूसली फीड किया जाता है, जिस तरह का मुझे रिक्वायरमेंट होता है वेल्डिंग का, एक कंटिन्यूसली फीड किया जाता है। इसके लिए भी हम लोग अलग से सप्लाई देते हैं, ठीक है, या फिर जो जो टॉर्च होता है, ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग वो इसमें कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वायर ड्राइव यूनिट होता है, जिसको मतलब इस तरह से क्या कहता है, वायर रिल के थ्रू, वायर ड्राइव यूनिट के थ्रू इसको यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में फिट किया जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड वायर है वो थ्रू आउट क्या होना चाहिए कि बिल्कुल सेम डायमीटर का होना चाहिए, यूनिफॉर्म डायमीटर का होना चाहिए, कहीं भी इसका डायमीटर चेंज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो इसका जो डायमीटर होता है, जो ये मेरा वायर है, इसका जो नॉर्मली जो डायमीटर होता है वो 0.5 से लेकर 3 mm या 2.5 mm तक, बहुत जगह 2.5 mm हमने देखा है, 2.5 mm तक वेरी करता है, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है वो लेंथ का मतलब क्या बोलते हैं, कोई लिमिट ऐसे नहीं है, जितना इस वायर रील का जितना कैपेसिटी हो उतना तक हम लोग इसको मतलब इसका लेंथ अगर बोले तो ये लेंथ का कोई अभी लिमिट इसमें नहीं है कि ऐसा 2 मीटर 3 मीटर हो, जैसे हम लोग टिग वेल्डिंग के लिए जो फिलर मेटल का, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं कि फिलर मेटल का जो लेंथ है वो जनरली 180 mm होता है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका लेंथ का लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मेरा वायर रील का कैपेसिटी क्या है, वो कितने मीटर तक को रील को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जनरली इसका डायमीटर जो वेरी करता है वो इस तरह से वेरी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वायर ड्राइव सिस्टम। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो मिग वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, मिग वेल्डिंग प्रोसेस में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, तो अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है तो उस केस में क्या होगा कि हमें जो ये इलेक्ट्रोड है उसका फीडिंग भी कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब ये इलेक्ट्रोड हमेशा कंज्यूम हो रहा होगा तो उस टाइम में मुझे इस इलेक्ट्रोड का कंटिन्यूअसली फीडिंग भी करना होगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वायर ड्राइव यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं वायर ड्राइव यूनिट का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर पूरा अरेंजमेंट है, जिसके अंदर वायर रील होता है और एक ड्राइविंग यूनिट होता है जो कि इस तरह से रोलर के थ्रू अरेंज होता है, जो इसको पुल करता है या पुश करता है। वो डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर अरेंज है, जस्ट इससे मतलब टॉर्च के जस्ट पहले लगा हुआ है तो इसमें क्या किया जा रहा है कि पुश किया जा रहा है, और यही अरेंजमेंट जस्ट यहाँ पे लगा होता, ठीक है, जस्ट इस टॉर्च के जस्ट बाद लगा होता तो पुल सिस्टम हो जाता, ठीक है। तो तरीका एक ही होता है, ठीक है, कि इसमें क्या करना पड़ता है कि एक प्रॉपर टेंशन को मेंटेन रखते हुए, इस इलेक्ट्रोड के प्रॉपर टेंशन को मेंटेन रखते हुए वायर को, जो इलेक्ट्रोड वायर को हमेशा फिड किया जाता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है, इस जो एक रील है, ठीक है, वायर रील या जिसको स्पूल बोलते हैं, जिसके अंदर ये प्रॉपर डायमीटर का जो वायर है इसको रखा गया, मतलब इसको अरेंज किया गया, जैसे यहाँ पर, और इसको एक ड्राइविंग यूनिट के थ्रू खींचा जा रहा है और ये चीज़ नोजल से बाहर आएगा। यहाँ पर ये ड्राइविंग यूनिट देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह का रोलर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक और ये रोलर का स्पीड भी चेंज किया जाता है, डिपेंड किया जाता है, डिपेंड करता है कि जो मेरा इलेक्ट्रोड किस तरह से कंज्यूम हो रहा है, करंट हम लोग किस तरह का दे रहे हैं,
ठीक है, मटेरियल मेरा किस तरह का है, तो उस तरह से इस रोलर के स्पीड को बढ़ाकर जो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल वायर है इसके फीडिंग स्पीड को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि ये वायर ड्राइव यूनिट जो होता है प्रॉपर टेंशन को मेंटेन रखने का भी काम करता है। अगर ये मान लीजिए कि वायर ड्राइव यूनिट नहीं होता तो ये वायर हो सकता है कि यहाँ से प्रॉपरली मतलब नोजल से प्रॉपरली आउट नहीं होता या लूज हो जाता। ठीक है, इसमें प्रॉपर टेंशन नहीं होता, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं कि मेटल अन यूनिफॉर्म रेट से मतलब नोजल से बाहर आता या इसका वेल्ड क्वालिटी पुअर हो जाता, तो इसलिए इसमें एक प्रॉपर टेंशन मेंटेन रखना जरूरी है। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपने टेंशन बहुत ज़्यादा कर दिया, मतलब ये भी नहीं है कि प्रॉपर टेंशन का मैं बात कर रहा हूँ, तो टेंशन बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, या इस तरह से इसको नहीं खींच देना है कि जो इसका डायमीटर है वो मतलब उसके डायमीटर चेंज हो जाए। अगर डायमीटर अगर मतलब ज़्यादा खींचने के कारण इसका डायमीटर चेंज हो जाए तो उससे भी प्रॉपर तरह का वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। वायर फीडर का जो ड्राइव यूनिट होता है वो डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट अलग अलग साइज का हो सकता है, और अलग अलग वेल्डिंग के लिए उसका फीड रेट को भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि ये जो ड्राइव यूनिट है वो अलग अलग साइज का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये स्पूल है इसका भी साइज अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग इसमें जो इलेक्ट्रोड वायर है वो किस तरह का इलेक्ट्रोड वायर यूज कर रहे हैं, उसका फीडिंग रेट मेरा क्या है, उसके हिसाब से इसके ड्राइविंग यूनिट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक ये ड्राइव यूनिट है और यहाँ पर ये क्या है कि इसको यहाँ से खींचा जा रहा है वायर, इसका ये स्पूल है जिसके अंदर ये वायर होगा, इलेक्ट्रोड वायर होगा, और यहाँ से इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ से खींचा जा रहा है और ये नोजल के थ्रू, यहाँ पर आगे नोजल लगा हुआ होगा, इस नोजल के थ्रू ये चीज़ बाहर आएगा। इस चीज़ को हम लोग इस डायग्राम में समझ सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये क्या है, एक ड्राइव यूनिट, ठीक है, ये सॉरी ये स्पूल, इसके अंदर ही ड्राइव यूनिट होगा और ये चीज़ यहाँ से नोजल के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है, अब है इस चीज़ को आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं समझाना है, वही सारा अरेंजमेंट यहाँ पर लाइन डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, वही सारा अरेंजमेंट है जो कि यहाँ पर लाइन डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वायर ड्राइव यूनिट। ठीक है, इसमें मैं मेटल ट्रांसफर के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, या अभी वीडियो बनाकर आपको इसके अंदर मतलब दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। इसमें मैं इसको अभी कवर नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है वीडियो, तो इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, इस चीज़ को और वेल्डिंग प्रोसेस दोनों को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। अभी मैं एडवांटेज और टीग और मिग वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को बताता हूँ। अब समझते हैं वेल्डिंग, जो मिग वेल्डिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसका पहला एडवांटेज है हाई प्रोडक्टिविटी। इस वेल्डिंग प्रोसेस में दूसरे वेल्डिंग के रेस्पेक्ट में हमें इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड होता है उसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं होता, स्लैग हटाने का ज़रूरत नहीं होता, वेल्डिंग को बार बार ब्रश करने का ज़रूरत नहीं होता, जो कि टाइम को बचाता है। ठीक है, जो कि वेल्डिंग जो टाइम होता है उस टाइम को बचाता है, जिससे क्या होता है कि मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सिंपल टू लर्न। इस वेल्डिंग को करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर का ज़रूरत नहीं होता है, कोई मतलब जो इंस्ट्रक्टर, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर कुछ आवर में कुछ मिनट में इसको आसानी से किसी व्यक्ति को सिखा सकता है, जो सेमी स्किल्ड लेबर है उसे आसानी से इस वेल्डिंग को सिखा सकता है। ठीक है, या मतलब इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करके किसी खास इंस्ट्रक्टर
के अंदर में इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करके हम लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीन एंड इफिशिएंट वेल्डिंग, जो कि इस वेल्डिंग में स्लैग का फॉर्मेशन टिग वेल्डिंग या दूसरे वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, जिससे क्या होगा कि इस वेल्डिंग में, और हाँ इसके साथ साथ जो वेल्डिंग का स्पैटर फॉर्मेशन जो होता है, वेल्डिंग के अंदर स्पैटर फॉर्मेशन होता है वो भी काफ़ी कम होता है, जिससे वेल्डिंग जो होता है मतलब आफ्टर वेल्डिंग ये काफ़ी क्लीन दिखता है, ठीक है, और एफिशिएंट भी होता है। नेक्स्ट है फास्ट वेल्डिंग स्पीड। अदर वेल्डिंग के रेस्पेक्ट में मिग वेल्डिंग में फास्ट वेल्डिंग करने पर भी वेल्डिंग क्वालिटी अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ बताया था कि इसमें मेरा टाइम जो होता है वो काफ़ी बच जाता है, वो जैसे वेल्डिंग को ब्रश करने से स्लैग को हटाने का टाइम, जो ये सब जो टाइम होता है ये सब टाइम बर्बाद नहीं होता है, तो जिससे वेल्डिंग का जो वेल्डिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। उसके अलावा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि गुड वेल्डिंग एंड बैड वेल्डिंग क्या है, ठीक है, मिग वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में, और बाकी जो स्टिक वेल्डिंग जो अदर स्टिक वेल्डिंग है उसके लिए। तो जैसे एक गुड वेल्डिंग, इस तरह का जो वेल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये गुड वेल्डिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टिक वेल्डिंग से जो वेल्डिंग हो रहा है तो उसके लिए गुड वेल्डिंग कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ट्रेवल स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो मिग वेल्डिंग के केस में तो वेल्डिंग कुछ इस तरह का दिखता है, और स्टिक वेल्डिंग में ट्रेवल स्पीड अगर काफ़ी ज़्यादा हो तो वेल्डिंग कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि एक ही तरह का अगर हम लोग मटेरियल ले और उस पर ट्रेवल स्पीड मतलब वेल्डिंग स्पीड अगर फास्ट रखे तो इसके कंपेयर में यहाँ पर जो वेल्डिंग जो क्वालिटी है या वेल्डिंग जो देख पा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बट गुड क्वालिटी जो गुड वेल्डिंग है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है, बट जो ट्रेवल स्पीड स्टिक के केस में होता है, ठीक है, उस केस में जो वेल्डिंग होता है उसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा इस तरह से देख सकते हैं मिग वेल्डिंग में अगर ट्रेवल स्पीड काफ़ी स्लो हो तो उस केस में क्या होगा, वो उस केस में कुछ इस तरह का वेल्डिंग दिखेगा, और स्टिक के केस में कुछ इस तरह का वेल्डिंग दिखेगा अगर ट्रेवल स्पीड काफ़ी स्लो हो तो। वोल्टेज के लिए अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो वोल्टेज अगर काफ़ी क्या बोले टू लो हो, काफ़ी कम हो, तो मिग के केस में वेल्डिंग इस तरह का दिखेगा और स्टिक के केस में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा हो तो मिग के केस में वेल्डिंग इस तरह का होगा, और अगर इसमें आर्क टू लॉन्ग हो मतलब वोल्टेज अगर रहते हैं यहाँ पर आर्क अगर काफ़ी ज़्यादा हो तो कुछ इस तरह का वेल्डिंग फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो वायर फिट स्पीड है, ठीक है, वो अगर काफ़ी कम हो तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह का दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग है, अगर काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, अगर तो इस तरह से दिखेगा, वायर फिट स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो तो इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। इसके अलावा ये वेल्डिंग जो होता है काफ़ी वर्सेटाइल होता है, ठीक है, वर्सेटाइल वेल्डिंग नेचर का होता है। सर लिख सकता हूँ कि अगला जो आप यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, ठीक है, काफ़ी वर्सेटाइल नेचर का वेल्डिंग होता है, जिससे क्या होता है कि मतलब इसको वर्सेटाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो यूज होता है वो अलग अलग तरीके के मेटल और एलॉय को अलग अलग तरीके से आसानी से वेल्ड कर सकता है। जैसे इस वेल्डिंग मतलब मिग वेल्डिंग प्रोसेस से हम लोग जो है एल्युमिनियम को, स्टेनलेस स्टील को, माइल्ड स्टील को, कॉपर को, निकेल को या इन सभी के एलॉय को भी हम लोग काफ़ी आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। लास्ट में अगर इसके हम क्वालिटी की बात करें, ठीक है, इसके अगर एडवांटेज में अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें तो अदर वेल्डिंग जिस ट्रेवल स्पीड से वेल्डिंग करता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमने बताया कि इस ट्रेवल अदर अदर के ट्रेवल स्पीड के रिस्पेक्ट में उसी ट्रेवल स्पीड पर इससे वेल्ड किया जाए तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेल्डिंग जो क्वालिटी होता है काफ़ी कम होता है। करने का मतलब मिग वेल्डिंग जिस फास्ट रेट से वेल्डिंग करता है उसी फास्ट रेट पर दूसरे वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा वेल्डिंग क्वालिटी इस वेल्डिंग में मिलता है।
तो इसका कुछ एडवांटेज था, और भी इसका एडवांटेज है, ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, आपको बुक में और भी एडवांटेज मिल जाएगा। कुछ एडवांटेज को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज को भी देखते हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज है इसका कॉस्ट, ठीक है। अदर वेल्डिंग के रेस्पेक्ट में थोड़ा ये ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है और इसका जैसे हमने बताया था कैसे हीलियम गैस का यूज़ करते हैं या आर्गन का यूज़ करते हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। शील्डिंग के लिए जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है। इसके वायर जो इलेक्ट्रोड वायर होता है, इसको प्रॉपर टेंशन पे और प्रॉपर तरीके से स्पूल के अंदर फिट कराने के लिए जो अरेंजमेंट होता है वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ओवरऑल इसका कॉस्ट जो होता है अदर वेल्डिंग के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरा इसमें आता है इसका जो मेंटेनेंस है, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि ये वेल्डिंग जो होता है, इस ये वेल्डिंग मशीन दूसरे वेल्डिंग मशीन के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण मतलब अच्छे क्वालिटी के वेल्डिंग के लिए इसको हमेशा हर एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस जरूरी है। चूंकि ये वेल्डिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये आउटडोर वेल्डिंग में ज़्यादा सुइटेबल नहीं है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अनसुइटेबल फॉर आउटडोर वेल्डिंग। अब ये अनसुइटेबल क्यों है इसको समझते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जब इसमें हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर, जब मिग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर शील्डिंग गैस, ठीक है, शील्डिंग गैस का यूज़ किया जाता है। ये शील्डिंग गैस जो होता है इस वर्क पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस जो वेल्ड होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और इसका जो प्रेशर होता है, इस जो इस गैस का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, बस एक शील्डिंग की तरह इसका यूज़ किया जाता है कि इस मटेरियल को और इस वेल्ड को सील्ड करने के लिए, मतलब बाहरी एटमोसफेयर से इसके कंटामिनेशन को बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब हम लोग आउटडोर मतलब घर के बाहर मतलब ऐसे खुले जगह पर जहाँ पर काफ़ी हवा का जो स्पीड है, बाहरी एटमोसफेयर जो बाहर के हवा का स्पीड अगर काफ़ी ज़्यादा है तो क्या करता है कि इसके शील्डिंग गैस को इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब अगर प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक शील्डिंग गैस चाहिए तो यहाँ से यहाँ पर ना होकर ये शील्डिंग गैस हो सकता है कुछ ऐसे हो जाए, इसको होना चाहिए था यहाँ पर तो ये चीज़ आगे की तरफ हो जाए और मेरा आर्क यहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक तरीके से प्रॉपर सील्ड नहीं हो पाता है। अगर विंड स्पीड जो आउटडोर विंड स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो, ठीक है, तो इसी तरह इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि आउटडोर वेल्डिंग में ये ज़्यादा सुइटेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो इसको जो कैरी किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना भी थोड़ा सा अदर वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये इसका जो अरेंजमेंट होता है काफ़ी कम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको थोड़ा कैरी करना भी अदर वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है इसमें फास्ट कूलिंग रेट। फास्ट कूलिंग रेट ऐसे बोल सकते हैं कि थिन मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल नहीं है, ठीक है। थिन मटेरियल के लिए, थिन मटेरियल कहने का मतलब जिसका थिकनेस 0.5 mm या इससे कम है, उसके लिए फास्ट कूलिंग सुइटेबल नहीं है। क्योंकि जैसे हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वेल्ड करना शुरू किया, इस मटेरियल पर यहाँ से यहाँ तक वेल्ड करना शुरू किया, ठीक है, सपोज यहाँ पर वेल्डिंग करना हमने शुरू किया और वेल्डिंग तो कर रहे हैं और काफ़ी फास्ट कूलिंग रेट होने के कारण इस वेल्डिंग, मान ली कि वेल्डिंग टिप यहाँ पर है और फास्ट कूलिंग रेट होने के कारण ये चीज़ जल्दी ठंडा हो गया और यहाँ पर क्या है कि अभी भी गर्म है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बाकी जगह पर मतलब मेटल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, कंप्रेशन होने लगता है, जिससे हो सकता है कि ये जो मटेरियल है वो मेरा यहाँ से बेंड हो जाए। चूंकि ये थिन मेटल है तो थिन मेटल हो सकता है कि स्लाइटली बेंड हो जाए, ठीक है, यहाँ से इस तरह रहे और बाकी जगह पर इस तरह से बेंडिंग। इसमें मे बी अगर प्रॉपर क्लैंपिंग नहीं किया जाए, प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया जाए तो यहाँ पर बेंडिंग हो सकता है, जिसके कारण ये काफ़ी थिन मेटल के लिए भी सुइटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें मेटल प्रिपरेशन टाइम। जो इसमें हम लोग वेल्डिंग करने से पहले जो प्रिपरेशन करते हैं कि, तो इसमें टाइम अदर वेल्डिंग के रेस्पेक्ट में, अदर जो स्टिक वेल्डिंग होता है सिंपली हम लोग मतलब कि वेल्ड करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मिग वेल्डिंग का बात करें और उसमें रिवर्स पोलैरिटी का बात करें, ठीक
ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें जैसे रिवर्स पोल्टी करने का मतलब कि अगर हम लोग इस तरह से बात करें जिसमें ये आपका रिवर्स पोल्टी का था, जिसमें ये मेरा पॉजिटिव होता था, ये नेगेटिव होता था, तो यहाँ पर अगर वर्कपीस को अगर क्लीन नहीं भी करते हैं तो वो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। रिवर्स पोल्टी का अगर हम लोग बात करते तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मतलब अगर इस तरह के वेल्डिंग में अगर हम लोग इसको क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है, मटेरियल को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, तो वेल्डिंग की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये था कुछ चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके इसमें हम लोग बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक था टिग और मिग वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दोनों वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग जो प्रोसेस है, ये दोनों आपका जो है वो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि आर्क वेल्डिंग का टाइप भी कर रहे हैं, तो दोनों सिंपल से बात है कि दोनों आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, जैसा कि हमने बार बार बताया कि टिग वेल्डिंग प्रोसेस में जो होता है कि टिग वेल्डिंग प्रोसेस में मेरा क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है, और मिग वेल्डिंग प्रोसेस में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज होता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हो गया इसमें, यूटिलाइज ए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इन टिग वेल्डिंग, यूटिलाइज ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बेस मेटल। ठीक है, यहाँ पर जो मिग वेल्डिंग में हम लोगों का जो बेस मेटल होता है उसमें किस तरह का इलेक्ट्रोड का रिक्वायरमेंट है, उसी तरह के इलेक्ट्रोड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें टिग वेल्डिंग में देखते हैं, टिग वेल्डिंग में जो फिलर मेटल, वैसे तो फिलर मेटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है टिग वेल्डिंग के अंदर, लेकिन अगर कहीं पे फिलर मेटल का रिक्वायरमेंट हो तो सेपरेटली यहाँ पर फिलर मेटल को सप्लाई किया जाता है, जबकि यहाँ पर फिलर मेटल को सेपरेटली सप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड वायर है उसके फीड रेट को, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो फीड रेट को बढ़ा देंगे, या नहीं कम ज़रूरत है तो उसके फीड रेट को कम कर देंगे। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, चाहे मतलब चाहे या उसके टंगस्टन का जो एलॉय होता है उसका बना होता है। लेकिन मिग वेल्डिंग के अंदर हमने भी बताया कि जिस तरह का मेरा बेस मेटल है, जिस मटेरियल का बेस मेटल है, उसके क्रॉसबॉन्डिंग हम लोग जो इलेक्ट्रोड है उसको चेंज कर सकते हैं। जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो बेस मेटल के क्रॉसबॉन्डिंग चेंज हो आता है। ठीक है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के लिए कौन सा यहाँ पर इलेक्ट्रोड यूज होगा, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगा। कॉपर है, कॉपर अगर मेरा बेस मेटल है तो उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील है तो उसके लिए हम लोग इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करें, तो ये चेंज हो सकता है। करने का मतलब जिस तरह का मेरा बेस मेटल है उसके क्रॉसबॉन्डिंग हम लोग इलेक्ट्रोड को चेंज कर सकते हैं। अब इसके टिग वेल्डिंग में अगर इलेक्ट्रोड के लेंथ का बात करें, तो इलेक्ट्रोड का लेंथ जनरली 60 से लेकर 180 mm तक, 60 से लेकर 180 mm तक का एक रॉड होता है। ठीक है, 60 से लेकर 180 mm तक का रॉड होता है। इसका जो इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है या एलॉय का जो इलेक्ट्रोड है, उसका डायमीटर होता है 1 से लेकर 3 mm के बीच। ठीक है, जबकि मिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड कम फिलर रॉड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड कम फिलर होता है, जो क्या होता है स्मॉल डायमीटर का है। ठीक है, इसका डायमीटर जो होता है वो जनरली 0.5 mm से लेकर 2 mm तक, 2.5 या 2 mm तक वेरी करता है। ठीक है, जबकि इसके अगर हम लोग लेंथ का बात करें तो लेंथ का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेंथ आपके जो स्पूल है उसके अंदर जितना लेंथ आ सकता है, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना इसका लेंथ हो सकता है। अब इसमें टिग वेल्डिंग का अगर बात करें, तो टिग वेल्डिंग आपका जो होता है एसी या डीसी दोनों तरीके पे काम करता है। ठीक है, ये एसी हो सकता है या डीसी हो सकता है। डीसी में भी आपका डायरेक्ट करंट
मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी हो सकता है इसका, या तो स्ट्रेट पोलैरिटी का होगा या फिर रिवर्स पोलैरिटी का भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, दोनों तरह का हो सकता है। कहने का मतलब एसी या डीसी दोनों तरह के पावर सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं, डीसी पावर सोर्स का यूज़ करते हैं, और डीसी पावर सोर्स में भी हम लोग जनरली रिवर्स पोलरिटी का ही यूज़ करते हैं। रिवर्स पोलरिटी का यूज़ करते हैं। रिवर्स पोलरिटी करने का मतलब उस टाइम में जो इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव पर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव पर होगा, और मेरा वर्कपीस जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल पे होगा, ठीक है। इसमें स्ट्रेट पोलरिटी हम लोग जनरली नहीं यूज करते हैं, या स्पेशल केस में यूज करते हैं, ठीक है। एसी करंट का भी हम लोग इसमें जनरली यूज़ नहीं करते। मैं जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन 90% केस में इसमें हम लोग देखते हैं कि रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ किया जाता है और डीसी करंट का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो टिग वेल्डिंग जो होता है वो आपका टिग वेल्डिंग जो होता है वो आपका मिग वेल्डिंग के रेस्पेक्ट में थोड़ा स्लो प्रोसेस है। जैसे हमने बताया था, पीछे कंपेयर किया था, जिस स्पीड पे हम लोग मिग वेल्डिंग करते हैं उसी स्पीड पे अगर हम लोग टिग वेल्डिंग करें तो जो क्वालिटी होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिग वेल्डिंग के रेस्पेक्ट में फॉर ए सेम क्वालिटी जो टिग वेल्डिंग होता है वो काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। और मिग वेल्डिंग सेम क्वालिटी के लिए मिग वेल्डिंग जो होगा टिग वेल्डिंग से काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है। ये 6 नंबर पॉइंट था। तो बोल सकते हैं कि ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस है और ये थोड़ा स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है। इसके अलावा अगर मेटल थिकनेस का बात करें तो मिग वेल्डिंग थिन और थिक दोनों तरह के मेटल के लिए सूटेबल है, ठीक है। जनरली थिक मेटेरियल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जबकि जो टिग वेल्डिंग है ये आपका हमेशा थिन मेटल शीट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। जिसका जनरली जो थिकनेस होता है 6 mm तक का जो थिकनेस का जो भी मेटल शीट है उसके लिए टिग वेल्डिंग ज़्यादा सूटेबल है। उसके अलावा मिग वेल्डिंग के यूज का बात करें, यूज मतलब किस तरह से यूज किया जाता है, तो इसको यूज करना मिग वेल्डिंग को जो है वो काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू टिग वेल्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। ईजी टू यूज एंड कम्प्लेक्स टू यूज एज कम्पेयर टू मिग वेल्डिंग, ठीक है। इसमें पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। अब इसमें नेक्स्ट मिग वेल्डिंग में जैसे मैंने बोला, जैसे बताया था एडवांटेज के अंदर कि इसमें क्लीनिंग का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर क्लीनिंग का ज़रूरत नहीं होता है। 9 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि पोस्ट वेल्डिंग क्लीनिंग जो होता है, ठीक है, मतलब कि वेल्डिंग के बाद जो क्लीन करने का ज़रूरत होता है टिग वेल्डिंग में ज़रूरत होता है, और इसमें पोस्ट वेल्डिंग क्लीनिंग का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। जो इसमें ऐसे बहुत सारा डिफरेंस है, लास्ट में डिफरेंस बताता हूँ। जो इसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हीट इफेक्टेड जोन है इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। हीट इफेक्टेड जोन होता है कि जहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं उस वेल्डिंग प्लेस से इसके आसपास का मटेरियल कितना इफेक्टेड होता है, मतलब वेल्डिंग मुझे यहाँ पे करना है, इसके अलावा ये पार्ट भी इससे इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो टिग वेल्डिंग में हीट इफेक्टेड जो एरिया होता है या हीट इफेक्टेड जो जोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो इसका हीट इफेक्टेड जोन होता है वो नहीं के बराबर होता है। करने का मतलब जहाँ पर आप वेल्ड कर रहे होते हैं वहीं पर बस हीट जनरेट हो रहा होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल हीट इफेक्टेड जोन होता है एज कम्पेयर टू टिग वेल्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था, और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है टिग और मिग में वो हमने बता दिया, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो दो टॉपिक रह गया, इसका वेल्डिंग प्रोसेस और टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर, इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जय हिंद।